हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस इजी रेसिपीज। आज मैं अपने किचन में गर्मियों की एक बहुत ही खास रेसिपी रबड़ी कुल्फी फालूदा बनाने जा रही हूँ, जिसमें हमने रबड़ी कुल्फी और फालूदा तीनों ही चीजें घर में बनाई हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो आइए जल्दी से देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम रबड़ी बना लेते हैं। इसके लिए हमने स्टील के भारी तले की कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। जब भी हम दूध बॉईल करते हैं तो पहले पानी डाल देते हैं, जिससे कि दूध तली में नहीं लगता है। ये मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसको मैं इस कढ़ाई में डाल देती हूँ और दूध को बॉईल होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हम बढ़ा देते हैं, जिससे कि दूध में बॉईल जल्दी आ जाएगा। दूध को गैस पर रखे हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हो, दूध के ऊपर हल्की हल्की मलाई आ गई है। मलाई को एक साइड पे कर देते हैं और दूध को हम एक बार चला देते हैं और दूध में बॉईल आने देते हैं। दूध को बॉईल होते हुए 3 से 4 मिनट और हो चुके हैं। ये आप देख सकते हो, दूध में बॉईल आ चुका है। अब एक बार दूध को चला देते हैं और गैस की हीट को एकदम स्लो कर देते हैं। बॉईल आने के बाद दूध को हम एकदम स्लो हीट पर ही पकाएंगे और बीच बीच में दूध को चलाते जाएंगे। धीमे आंच पर दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, दूध के ऊपर मलाई आ चुकी है। इस मलाई को हम साइड कर देंगे, दूध के साथ इसको मिक्स नहीं करेंगे और बीच में से दूध को चला देंगे। इसी तरह से 5-5, 7-7 मिनट बाद हम दूध में से मलाई को साइड करते रहेंगे और बीच में से दूध को चलाते रहेंगे। ये देखिए, दूध को पकते हुए 5 से 7 मिनट और हो चुके हैं। अब देखिए मलाई कितनी मोटी हो चुकी है। फिर वही प्रोसीजर करेंगे, मलाई को साइड करके बीच में से दूध को चला देंगे। ये देखिए, दूध को पकते हुए और 5 मिनट हो चुके हैं। मलाई आप देख सकते हो कितनी गाढ़ी होती जा रही है। जैसे जैसे दूध बॉईल हो रहा है, वैसे वैसे मलाई की थिकनेस बढ़ती जा रही है और दूध भी आप देख सकते हो कितना कम हो गया है। जब हमने कढ़ाई में दूध रखा था तब इतना था, अब इतना हो गया है। बस इसी तरह से हर 5-7 मिनट के बाद आप मलाई को साइड कर दीजिए और दूध को बीच में से चला दीजिए। इस तरह से आपकी बहुत बढ़िया लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हम दूध को नहीं चलाएंगे तो दूध तली में लग सकता है। वैसे तो दूध को गर्म करते समय हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया था, क्योंकि दूध को हम काफी टाइम तक उबाल रहे हैं और ये जैसे जैसे गाढ़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे इसके तली में लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए, दूध को उबलते हुए कंप्लीट 1 घंटा हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, दूध में कितनी अच्छी मलाई आ चुकी है और दूध काफी कम हो चुका है। ये आप कढ़ाई देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, दूध में रबड़ी के काफी लच्छे दिखाई देने लगे हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। रबड़ी को पकते हुए 1/2 घंटा और हो चुका है, मतलब टोटल 1.5 घंटा इसको पकते हुए हो चुका है और आप देख सकते हैं इसमें काफी लच्छे दिखाई देने लगे हैं। अब ये पर्याप्त रूप से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून चीनी मिला देते हैं। चीनी मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ली है, आपको कम या ज्यादा लगती है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी आप इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब जब तक शुगर पूरी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती, हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। इस समय ये ध्यान रखना है कि रबड़ी को हमें हल्के हाथ से ही चलाना है, बहुत भारी हाथ से इसको नहीं चलाएंगे, नहीं तो मलाई के जो लच्छे बने हैं वो सब खराब हो सकते हैं। और रबड़ी में मैं कोई अभी ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें हल्का सा ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता, बादाम वगैरह डाल सकते हैं। शुगर मेल्ट हो चुकी है। अभी देखने में ये रबड़ी आपको काफी पतली लग रही होगी, लेकिन ठंडी होने के बाद ये काफी थिक हो जाएगी। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है। इलायची को मिक्स कर दिया है, अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी कढ़ाई काफी गर्म है और रबड़ी इसमें लग सकती है। अब रबड़ी रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है और आप देख सकते हो ये काफी थिक भी हो गई है। अब हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं और इसको अच्छा चिल्ड होने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं। अब हम फालूदा में डालने के लिए 1 छोटा चम्मच चिया सीड्स या सब्जा या तुलसी के बीज भी इनको बोलते हैं, एक कटोरी में डालकर आधी कटोरी में इसमें पानी भर देती हूँ और इनको भीगने के लिए रख देते हैं। 1 से 1.5 घंटे में ये अच्छे से फूल जाते हैं। अगर इनको थोड़े से हल्के गर्म पानी में आप डालोगे तो ये और जल्दी फूल जाएंगे।
अब हम फालूदा सिवैयां बना लेते हैं। इसके लिए हमने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसमें आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप अरारोट भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास आसानी से अवेलेबल हो आप वो ही ले लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए कॉर्नफ्लोर का हम एक घोल बना लेंगे। इसमें पानी एक साथ नहीं डालेंगे, पानी धीरे धीरे करके डालेंगे। जितनी कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी है 3 गुना पानी हम इसमें डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके, क्योंकि कॉर्नफ्लोर बहुत जल्दी चिपकता है। इसलिए इसको हम नॉनस्टिक बर्तन में बनाएंगे। ये वाला स्पैचुला इसमें काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं स्पैचुला चेंज कर लेती हूँ और इसके ऊपर जो भी कॉर्नफ्लोर चिपका हुआ है उसको भी हम छुड़ा लेते हैं। कॉर्नफ्लोर या अरारोट बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है, इसलिए हमने इसको पहले अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसमें बचा हुआ पानी मिला देंगे। इसमें तकरीबन मैंने 1.5 कप पानी मिला दिया है, क्योंकि आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था उसका 3 गुना यानी 1.5 कप मैंने इसमें पानी मिला दिया है। अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं, इसको हम बाद में पकाएंगे, क्योंकि पकाने से पहले हमको कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम सिवैयां बनाते हैं तो हमें उन्हें तुरंत ही ठंडे पानी में डालना पड़ता है। उसके लिए मैंने एक खुला बर्तन ले लिया है और इसमें ढेर सारे आइस क्यूब्स डाल देते हैं और 1 गिलास पानी डाल देते हैं और इस बर्तन को हम फ्रिज में रख देते हैं। और फालूदा सिवैयां बनाने के लिए एक मैंने मशीन ले ली है, मैं इससे बेसन के सेव वगैरह भी बनाती हूँ। ये जनरली सभी के घरों में होती ही है, और नहीं तो ये मार्केट में भी बड़े आसानी से मिल जाती है। इसके लिए मैंने ये बारीक वाली जाली यूज की है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो आप इस तरह के पाइपिंग बैग वगैरह से भी बना सकते हो। सारी तैयारियां करने के बाद अब हम सेवइयां पकाना शुरू करते हैं। तो पहले हम एक बार स्पैचुला से मिक्स कर लेते हैं और अब इसको पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए अभी गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है, क्योंकि बहुत जल्दी थिक होता है और चिपकने लगता है, इसलिए इसको हम बराबर चलाते हुए पकाएंगे। और ये देखिए, इसको पकाते हुए अभी 30 से 40 सेकंड हुए हैं और ये थिक होना शुरू हो चुका है। 1 मिनट पकाने के बाद ये आप देख सकते हो कितना थिक हो चुका है। अब हम इस स्टेज पर गैस की हीट को कम कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी चलाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम चेंज होता जा रहा है और साइड्स में जो मटेरियल लगा है उसको भी हम साथ में मिक्स करते जाएंगे, नहीं तो वो एक साइड पे इकट्ठा हो जाएगा और उसकी गुठलियां बन जाएंगी। अभी हमें इसे पकाते हुए 1.5 से 2 मिनट हुआ है और ये आप देख सकते हो कितना थिक हो गया है और इसका कलर भी एकदम ट्रांसलूसेंट हो गया है, जैसे जेल क्रीम आती है ना उस तरह का इसका कलर हो गया है। अभी ये मटेरियल जब तक एक साथ सारा इकट्ठा नहीं हो जाएगा, मतलब फैलना बंद हो जाएगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। इसको पकाते हुए 3 मिनट हो चुके हैं, ये देख सकते हो आप साइड्स छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी इसको थोड़ी देर हम और पकाएंगे। इसको पकाते हुए 1 मिनट और हो चुका है, ये देखिए सारा मटेरियल एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। ये ऑलमोस्ट पक चुका है, बस 20 से 30 सेकंड इसको और पका लेते हैं। इसको पकाते हुए 30 सेकंड और हो चुके हैं, ये पूरी तरह से पक चुका है और इसका कलर भी आप देख सकते हो कितना बदल गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। इसको पकाने में केवल 4 से 5 मिनट लगते हैं। ये सारा मटेरियल हमने सिवई मेकर में भर लिया है और ये बारीक वाली जाली हमने इसके लिए यूज की है। ये काम सारा हमको जल्दी करना पड़ता है, अगर इसको रख देंगे तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। ये बहुत गर्म है, गरम गरम ही इसको बनाना पड़ता है। इसका लिड हमने बंद कर दिया है। अब जो हमने आइस का पानी बनाकर फ्रिज में रखा था, और फटाफट से सिवैयां बना लेते हैं। ये देखिए इस मशीन से कितनी बढ़िया और आराम से सिवैयां बन रही हैं। फालूदा सिवैयां घर में बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसको बड़े आराम से बना सकता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया सिवैयां बनकर तैयार हुई हैं। और ये देखिए, रबड़ी भी ठंडी हो चुकी है, हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी थिक हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया लच्छेदार रबड़ी बनकर तैयार हुई है। चिया सीड्स भी भीग कर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक गिलास ले लिया है, जिसमें सबसे पहले हमने फालूदा डाल दिया है, उसके ऊपर थोड़े से चिया सीड्स या सब्जा डाल देते हैं, ऊपर से इसमें रोज सिरप डाल देते हैं। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें रोज सिरप डाल दिया है। थोड़ा सा सिरप मैंने ग्लास के चारों तरफ भी लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम 2 टेबल स्पून रबड़ी डाल देते हैं। इसमें आप थोड़ी सी क्रस्ट आइस भी डाल सकते हैं। ऊपर से 1 लेयर फालूदा और थोड़ा सा सब्जा भी डाल देते हैं।
एक टेबल स्पून रबड़ी भी डाल देते हैं। कुछ लोग इसमें चिल्ड मिल्क भी डालते हैं, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके ऊपर थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट काजू पिस्ता और बादाम की कतरन डाल देते हैं और सबसे ऊपर कुल्फी की लेयर रखेंगे। कुल्फी भी मैंने घर में बनाई हुई है और इसका वीडियो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर कुल्फी की वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की है। ऊपर से थोड़े से मिक्स ड्राई फ्रूट काजू पिस्ता बादाम और रोज सिरप डाल देते हैं और इसको ठंडा ठंडा सर्व कर लेते हैं। इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।